Zephaniah भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 Zephaniah भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में यहोवा का यह वचन Zephaniah के पास जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था पहुंचा कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा यहोवा की यही वाणी है मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा यहोवा की यही वाणी है और मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा और जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए इधर तो यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक देवता की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहनों को पवित्र किया है और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा और उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांगते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भरते हैं और यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा हे मक्तेश के रहने वालों हाय हाय करो क्योंकि सब व्यापारी मिट गए जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ-ढांड करूंगा और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा उनको मैं दंड दूंगा तब उनकी धन संपत्ति लूट जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे वे घर तो बसाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे और वे दाख की बारियां तो लगाएंगे परंतु उनमें दाख मधु पीने न पाएंगे यहोवा का भयानक दिन निकट है वह बहुत वेग से समीप चला आता है यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है वह रोष का दिन होगा वह संकट और सकेती का दिन वह उजाड़ और उधेड़ का दिन वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन वह बादल और काली घटा का दिन होगा वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे घुमटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा और मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और उनका लोहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा और यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी क्योंकि वह तो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा